आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक महात्म्य का दूसरे दिन का पाठ कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद जब वह संभल गई तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे धन अर्जित करके उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कार्य किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने के उपवास किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का मास मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने तथा व्रत करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं। यदि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी पाप भी किए हों तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बुखार हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। वह गंगा तक पहुंच तो गई परंतु सर्द ऋतु के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह बहुत शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना करने पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आ गए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। पूर्व जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु भगवान को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार
कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। अन्य सभी मासों में जप, तप, यज्ञ, ज्ञान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 2 पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरे दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।